बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में लिपिकों के 967 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में 967 लिपिकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव भेजा। जल्द ही लिपिकों की नियुक्ति कर उनकी अनुशंसा आयोग द्वारा विभाग को प्राप्त हो जाएगी। सरकार राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लिपिकों का राज्य संवर्ग बनाने जा रही है। राज्य संवर्ग बन जाने से सालों से एक ही जगह जमे बाबुओं का दूसरे जिला में तबादला हो सकेगा। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे लेकर नई नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली के प्रभावी होने के बाद अब नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक एक ही स्थान पर काम नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विभागों ने अस्पतालों में लिपिकों की नियुक्ति का काम सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों के हाथों से छिन जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पद स्थापित लिपिकों की नई नियमावली तैयार की जा रही है। जल्द ही इसकी कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। इसमें सभी प्रकार के लिपिक संवर्ग का एक स्टेट कैडर तैयार होगा। स्टेट कैडर तैयार हो जाने के बाद लिपिकों के स्थानांतरण अब एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना संभव हो सकेगा। अभी तक मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियुक्त लिपिकों का स्थानांतरण ना के बराबर होता था। इसी प्रकार से सिविल सर्जनों की ओर से नियुक्त लिपिकों का स्थानांतरण जिले में ही कहीं किया जाना संभव था। लंबे समय तक एक ही कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों इतने प्रभावशाली हो जाते थे कि सिस्टम ही प्रभावित होने लगता था, ऐसा कहा जाता है। अब स्टेट कैडर के तैयार हो जाने से अस्पताल के लिपिकों का राज्य के किसी जिले से किसी अन्य जिले में ट्रांसफर संभव हो जाएगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।